Hello students, how are you all? I hope you all are doing great and staying safe at your home. So students, in previous video of tenses, we discussed about how many tenses are there, what are the structures and ideas for present tense and past tense and what is tense. We discussed this all are in the previous videos. Today, we are doing some examples of present tense without verb and past tense without verb. And पहले आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब के एग्जांपल है या पास्ट टेंस विदाउट वर्ब के सेंटेंसेस है, फिर आपको उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. ठीक है, बहुत इजी सी चीज है आपको पढ़ने के लिए, बहुत इजी रहेगा आपको पढ़ने के लिए. बस एक बार आपको समझ आना चाहिए कि आईडी कौन सी है, स्ट्रक्चर कौन सा है. जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या सेंटेंस लिखना है. ठीक है, और सेकेंड थिंग, आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स स्टार्टिंग भेजे गए थे, आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स, उन इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हिंदी में निकालना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अगर आपको उन वर्ड्स के इम्पोर्टेंट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग आएंगे, जैसे आई का मतलब मैं, मेरा, मेरी, मेरे, ये सब होता है, तो ये आपको आना चाहिए. यू का मतलब तुम, तुम्हारा, तुम्हारी. ठीक है, ये दीज का मतलब ये, इनके, इस तरह से आपको अगर आता है तो आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो, अगर आपको वो लर्न हो तो. ठीक है, नहीं लर्न है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप लोग अब लर्न कर लीजिएगा उनको. ठीक है, नाउ स्टार्ट द चैप्टर और द क्वेश्चंस. प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब, प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब जिसमें वर्ब नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. आईडी होती है प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब की, है, हूं, हो, मतलब कि आपका सेंटेंस जो है, जो आप सेंटेंस हिंदी में बोलोगे उसमें है, हूं, हो आएगा, दैट मींस वो आपका प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब है. है, हूं, हो. उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में आपको इज एम आर, इन दोनों से कोई एक चीज लगानी है, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा. ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से लर्न हो जानी चाहिए. क्या कोई हिंदी में पूछना प्रेजेंट टेंस विदाउट का स्ट्रक्चर क्या है, आपको फटाफट से बोल देना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट. सेम इसी तरह आपके पास्ट टेंस में भी लर्न होना चाहिए कि इज
आ जाए। ओके स्टूडेंट।